20 सितंबर को जिले में डीएसटी और हनुमानगढ़ जंक्शन व रावतसर पुलिस की एनडीपीएस की कार्रवाई की अपडेट्स पर एक नजर डालते हैं। जब डीएसटी और रावतसर पुलिस ने 16 डीडब्ल्यूडी निवासी गजानंद उर्फ गज्जू को 7 ग्राम स्मैक और 3,47,000 रुपए नकदी सहित गिरफ्तार किया था तो शायद ही किसी को इस बात का अंदाजा था कि इन तस्करों के तार पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं। वहीं 20 सितंबर को ही हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए रावतसर के 16 डीडब्ल्यूडी निवासी ओम प्रकाश बावरी को 1 किलो 420 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया और मामले की जांच रावतसर एसएचओ रविंदर सिंह को सौंपी गई। पकड़े गए तस्कर ने पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से संपर्क होने की बात स्वीकारते हुए कबूल किया कि वह पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन द्वारा भारत में गिराए जाने वाले स्मैक के पैकेट्स आगे पंजाब में बैठे सप्लायरों तक पहुंचाता है। तस्कर ओम बावरी ने बताया कि वह अब तक कुल 53 किलो सफेद जहर यानी स्मैक पाकिस्तान से डिलीवरी लेकर आगे पहुंचा चुका है। इससे पहले खादवाला क्षेत्र में पाइप की सहायता से हुई स्मैक डिलीवरी के मामले में भी आरोपी रह चुका है। पुराने मामले में जमानत पर बाहर आते ही फिर से वही काला कारोबार शुरू कर दिया। पाकिस्तान कनेक्शन सामने आते ही बीएसएफ व इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अपने अपने तरीकों से पूछताछ की है। रिमांड पर चल रहे ओम प्रकाश बावरी ने बताया कि उसे 1 किलो स्मैक को ठिकाने तक पहुंचाने के बदले 1,00,000 रुपये मिलते थे। ओम प्रकाश बावरी ने अपने साथ एक शागिर्द का भी खुलासा किया। बताया कि रावतसर के चक 1 RWM निवासी अजय मटोरिया को वह अपने साथ रखता था। रावतसर पुलिस ने अजय मटोरिया को भी गिरफ्तार करते हुए पूछताछ की तो सामने आया कि अब तक 3 बार अजय मटोरिया स्मैक की डिलीवरी लेने आरोपी ओम प्रकाश के साथ जा चुका है। जांच में सामने आया कि रावतसर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया गजानंद उर्फ गज्जू और अजय मटोरिया दोनों इसी ओम प्रकाश के गुर्गे हैं। जानकारी में यह भी आ रहा है कि तस्करी से कमाए गए पैसों के दम पर तस्कर ओम प्रकाश राजनीति में आकर माननीय बनने के ख्वाब पाले हुए था, लेकिन समय रहते नापाक मंसूबे फेल हो गए।